प्री वेडिंग फोटोग्राफी। सरोजनगर गांव के बस स्टैंड पर एक बस आकर रुकी, उसमें से एक व्यक्ति चश्मा पहनकर बड़े स्टाइल से उतरा। उसके साथ उसका एक असिस्टेंट एक बड़ा सूटकेस लेकर उतरा। वहां खड़े दो व्यक्ति उन्हें देखकर उनके पास आए। कमल नाम का एक व्यक्ति, अरे तुम सुनील हो ना, इतने दिन तुम कहां थे? ये गेटअप क्या है और ये बिल्डअप क्या है? अरे ये बिल्डअप नहीं है, ये मेरा बिजनेस है। अब मैं एक फेमस फैशन फोटोग्राफर हूँ, मॉडलिंग शूट और प्री वेडिंग शूट वगैरह करता रहता हूँ। बहुत दिन हो गए तो सोचा गांव देखता चलूँ। अरे तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो यार, अब बहुत जल्द ही मेरे बड़े भाई मोटू की शादी है। तुम्हें ही किसी तरह प्री वेडिंग एल्बम बनाना होगा, वो थोड़ा मोटा है और मेरे होने वाली भाभी थोड़ी पतली है। तुम्हें जितना चाहिए दिलाऊंगा, पर उन दोनों को तुम बड़ा सुंदर दिखाना होगा। अरे एक्चुअली मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार। काजोल और कटरीना कैफ के साथ मेरा फोटोशूट है, बचपन के दोस्त हो तो तुम्हें मना भी नहीं कर सकता। चलो ठीक है, कल ही शूटिंग शुरू कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच यार। अगले दिन एक स्विमिंग पूल के पास शूट शुरू हुआ। सुनील ने मोटू और उसके मंगेतर संजना को पूल के किनारे पर खड़ा किया। हाँ, अब दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ो और एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर यूं देखो जैसे बड़े प्यार से देख रहे हो। वे वैसे ही देखने लगे। अब थोड़ा पीछे हटो। वे पीछे हटे और पीछे हटो भाई, थोड़ा और थोड़ा पीछे गए। अरे मोटू तुम फ्रेम में नहीं आ रहे हो यार, थोड़ा और पीछे हटो ना। यूं वो पीछे हटे तो जाकर पानी में गिरे। अरे मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ, कहकर चिल्लाया। तभी संजना ने उसे बचाकर किनारे ले आई। ये क्या है, पीछे जाओ कह के हमें पानी में गिरा दिया, ये कैसी फोटोग्राफी है? क्रिएटिव फोटोग्राफी ऐसा ही होता है, थोड़ा रिस्क उठाना ही पड़ता है। कपड़े बदल कर मेकअप करके आइए। एक और दिन एक और जगह सुनील ने एक डीजल इंजन लिखवाया। उन दोनों को खड़े रहने के लिए कहा। अपने असिस्टेंट छोटू से जरा स्मोक इफेक्ट देना, कहकर बोला। छोटू ने इंजन स्टार्ट किया, उसमें से बिल्कुल काला धुआं निकलने लगा। उन दोनों का चेहरा काला पड़ गया। सुनील उनका फोटो निकालने लगा। ये क्या, हमारा चेहरा काला पड़ गया और तुम फोटो निकाल रहे हो? अरे फोटोशॉप में साफ कर दूंगा यार, मोटू हैरान हो गया। एक और दिन सुनील ने एक कांस्टेबल को पैसे देकर एक घंटे के लिए पुलिस स्टेशन को किराए पर लिया। एक घंटे में शूटिंग खत्म हो जाना चाहिए, हमारे एसआई आ गए तो मुझे गाली देंगे। सुनील ने संजना को एक एसआई के वेश में और मोटू को एक चोर के वेश में खड़ा किया। मोटू को जेल के अंदर खड़ा किया, संजना को बाहर लाठी के साथ खड़ा होने के लिए कहा और सुनील ने संजना से, तुम उसे यूं लाठी दिखाओ जैसे डराकर कह रही हो कि अब उम्र भर के लिए तुम मेरे कैदी हो। संजना मोटू को लाठी दिखा रही थी और सुनील फोटो खींच रहा था। थोड़ी देर बाद सुनील संजना से, जरा बाहर तुम्हारे सड़क पर कुछ बिल्डअप शॉट्स लेते हैं, कहकर उसे बाहर ले गया। इतने में एसआई आया लॉकअप में मोटू को देखकर, क्यों बे, शादियों में पर्स चुराने वाले तुम ही चोर हो ना? मैं चोरी क्यों करूंगा भाई, मैं तो खुद दूल्हा हूँ। क्या तुम दूल्हा हो, तो बच्चू जेल में क्या कर रहे हो, कहकर उसकी खूब धुनाई करने लगा। सर मेरी बात सुनिए सर, अरे सुनील कहाँ मर गए, कहकर चिल्लाने लगा। उसकी बात ना सुनकर उसको खूब मार रहे थे। इतने में कांस्टेबल ने आकर एसआई को सारी बात समझाया। सुनील और संजना वापस लौटे, मोटू मार खाकर बेहोश पड़ा था। संजना परेशान हो गई। एक और दिन एक मैदान में संजना और मोटू को बड़े से हीलियम बैलून के साथ बांधकर रस्सी से बांधा और सुनील छोटू से, सुन छोटू तुम धीरे धीरे इस रस्सी को छोड़ना, एक ऊंचाई पर जाने के बाद मैं इनका फोटो खींचूंगा। छोटू ने रस्सी को छोड़ा, वे दोनों हवा में उड़े। सुनील फोटो खींचने लगा, तभी छोटू के हाथ से रस्सी छूट गया फिसल के। बस वे दोनों हवा में उड़ने लगे। मोटू और संजना, बचाओ बचाओ, कहकर चिल्लाने लगे। गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। उनके माँ बाप उन्हें ढूंढने लगे और 10 दिन बाद एक टापू से उन्हें बचा कर लाए। उन्हें देखकर सुनील, अच्छा आ गए, अब एक और स्पेशल आइटम तैयार किया है। मोटू
दौड़ता वो आया और उसे खूब मारने लगा। दबा दब मारते हुए मोटू ने उसे पूछा, अरे अब तो सच बता नहीं तो मार डालूंगा। क्या तुम सचमुच फोटोग्राफर हो? नहीं भैया, मैं मुंबई के एक फोटो स्टूडियो में स्वीपर हूँ। मैं अपने ओनर का कैमरा चुरा कर यहाँ गाँव आया था। सब हैरान होकर देख रहे थे। दिवाली प्रैंक। एक गांव में मनीष नाम का एक आदमी रहता था। उसकी बीवी का नाम रूपा था और बेटे का नाम कृष। मनीष बड़ा दुबला पतला था। इसके वजह से सामने का घर का पहलवान पन्नालाल उसे हर वक्त चिढ़ाते रहता था। मनीष साइकिल पे बैठता तो पन्नालाल आके उसके पीछे बैठ जाता और अपने पैरों से साइकिल को रोक लेता। मनीष से साइकिल नहीं चलाया जाता। ए सुतले, साइकिल जितनी वजन नहीं है तेरी, तू साइकिल क्या चलाएगा, वो कहता था और आस पड़ोस के लोग हंसते थे। पन्नालाल जानबूझकर अपने गली के बीच खड़े होकर व्यायाम करता था। जब लोग उसके डोले शोले देखकर तारीफ करते थे वो बहुत खुश होता था। पन्नालाल अपने घर के कूड़ा कंकर पूरा लाके मनीष के घर फेंक जाता था। क्या देख रहा है, मारेगा मुझे, आजा। मनीष बेचारा सर झुका के अंदर चला जाता। कृष को पन्नालाल पे बड़ा गुस्सा था। उस साल दीपावली आया। मनीष का परिवार अपने घर के सामने फुलझड़ियां जला रहे थे। इधर कृष रॉकेट उड़ा रहा था। इतने में पन्नालाल की बेटी पिंकी रोते हुए अपने माँ से बोली, डैडी हर वक्त यही करते हैं, दीपावली के दिन बाहर ही नहीं निकलते। सबके पापा को देखो, अनार रॉकेट बम सारे फोड़ रहे हैं। मुझे ये फुलझड़ियाँ नहीं चाहिए, मैं सबके साथ आज बम फोड़ूंगी। वो फूट फूट के रो रही थी। अरे रुक, रो मत, ले आती हूँ मैं तेरे पापा को। वो अंदर चली गई। अंदर पहलवान पन्नालाल अपने कान बंद करके एक कोने में बैठा था। और मेरे से नहीं हो रहा है, आज आपको आके बम फोड़ने ही पड़ेंगे। त्योहार के दिन बच्चे को रुलाना नहीं चाहिए, वैसे भी इतना बड़ा पहलवान छोटे बम से डरता है। कहकर वो अपने पति को खींच के ले गई। पन्नालाल ने एक बड़े से लकड़ी के कोने पर फूलझड़ी बांधा और उससे डरते डरते उसने अनार जलाया। ये देखकर कृष्ण ने सोचा, ओहो तो इसे आतिशबाजी से डर है, अभी तो मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। इधर पन्नालाल एक रॉकेट जलाने का कोशिश कर रहा था। बड़ी सी अगरबत्ती से वो आग लगाने की कोशिश करता फिर पीछे हट जाता। इस तरह वो आगे जा रहा था और पीछे हट रहा था। जल्दी जलाओ ना पापा, कहकर चिल्ला रही थी। वो आहिस्ते से रॉकेट में आग लगाने ही वाला था, कृष उसके पीछे से आया और भुस करके साइकिल का पंप दबा दिया। पन्नालाल बाप रे चिल्ला कर पीछे गिर गया। पापा वो बम फोड़ो ना अभी। पन्नालाल ने एक लकड़ी के कोने पर अगरबत्ती बांधा और बम जलाने की कोशिश कर रहा था। क्रिश छुपके से उसके पीछे चला गया और एक छोटी सी बम फोड़ दिया। बम फट करके फटा और पहलवान मर गया चिल्ला के कूदने लगा। ये देखकर आस पड़ोस के सारे लोग जोर से हंस पड़े। इतने में कृष्ण ने 1000 वाला लड़ी जला दी। मैं मर गया चिल्लाते चिल्लाते गली के अंदर दौड़ने लगा और सारे गली के लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। दूसरे दिन पहलवान पन्नालाल गली में से चल के जा रहा था, एक बच्चा पीछे से आकर बूम करके चिल्लाया। सारे लोग हंस पड़े। क्यों भाई, बड़ी पहलवानी दिखाते रहते हो, अरे तुम तो बच्चों से भी डरपोक निकले भाई। पन्नालाल शर्म से अपना सर झुका लिया। दूसरे ही दिन वो अपना घर खाली करके वहां से चला गया। कृष और रूपा बहुत खुश हुए।